नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। अक्सर हम लोग पांच चीज़ें गलत करते हैं अपने घर में। घर से बाहर निकलते वक्त कभी ना करें इन पांच चीज़ों का अपमान। अपनी पत्नी को गुस्सा कर कर घर से कभी ना निकलें। बहुत छोटी चीज़ें लेकिन लाखों करोड़ों की हैं ये चीज़ें। पत्नी से अच्छे से बात करें ना करें, लेकिन बदतमीजी से बात करने कर अगर आप किसी भी खास मीटिंग या प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो उसमें विफल होना, असफल होना निश्चित है। घर से बाहर निकलते वक्त कभी झाड़ू को पैर मार कर ना जाएं आप। घर से बाहर निकलते वक्त अपने नौकर को गुस्सा कर कर, डांट कर या उसका अपमान कर कर घर से बाहर निकल कर ना जाएं आप, क्योंकि ऐसा करने से आपके कार्य सारे खराब होते चले जाएंगे। घर से बाहर निकलते वक्त रास्ते में अगर पंडित जी मिले तो उन्हें राम राम करें या ना करें, या आपकी इच्छा करें तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन पंडित का अपमान कर कभी भी कार्य पे ना जाए। रास्ते में सफाई कर्मचारी आपको मिले और वो झाड़ू लगा रहा हो तो उसका अपमान कर कभी भी ऑफिस काम या किसी खास कार्य पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। अब इसके अपोजिट जानते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आपकी पत्नी आपको कुछ पैसे दे दे, आपके माथे पर तिलक कर दे, जिस कार्य में जाएंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि सफाई कर्मचारी आपको रास्ते में मिला, उसे खाने के लिए कोई बिस्किट या कुछ पैसे आप दे दें, तो निश्चित ही आप अपने कार्य में सफल होंगे। घर से बाहर निकलते वक्त अगर पंडित के दर्शन आपको हो जाएं, उसे राम राम करके प्रणाम करें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लें, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। घर से बाहर निकलने के वक्त अगर अपने घर की झाड़ू को केवल प्रणाम कर आप जाएं, तो दरिद्रता कभी आपको छू नहीं पाएगी। आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। घर से बाहर निकलते वक्त अगर आप अपने नौकर को बोलें, चल ध्यान रखना, खुश रहना, खा लेना जो तुझे खाना हो, ज़रा मुझे मेरा बैग गाड़ी तक छोड़ा, अगर मुस्कुराते हुए आपका नौकर आपको विदा करता है तो शनि की होगी आप पे विशेष कृपा। ये वो बातें हैं जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये 100 करोड़ की बातें आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती हैं। शाम को घर वापस लौटते वक्त कभी खाली हाथ नहीं आए आप। वापस लौटते वक्त सदैव आप अपने घर फल, फूल, मिठाई, दूध, चीनी, राशन या कुछ भी लेकर आएँ। संभवतः कुछ ना हो तो पेड़ पर से एक पत्ता तोड़कर घर वापस लेकर आएँ, लेकिन पुरुषों को घर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये बातें आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। इन बातों का स्मरण करें। घर से बाहर निकलते वक्त परफ्यूम का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते वक्त प्रभु का नाम लें। घर से बाहर निकलते वक्त दोनों नाक में से, मतलब नाक के दो छेद होते हैं, इसमें से जिसमें से श्वास चल रही हो वही कदम बाहर निकालें और अपने प्रभु को याद कर आसमान की तरफ देख कर भगवान को प्रणाम कर अपना दोस्त मानकर आगे बढ़ते चले जाइए। इन उपायों को, इन बातों को, इन नियमों को अपनाकर देखिए, तमाम ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अच्छा अगर आप चाहते हैं तो विद्या को बांटिए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है और छुपा कर रखने से घटती है। कहते हैं भगवान से सदैव कहो, हे प्रभु सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर।